नमस्कार सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का स्वागत है आज की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। बहनों, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। जैसे कि अगर आप आंगनवाड़ी सेविका हैं और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फॉर्म अपने क्षेत्र के लाभुकों का ऑनलाइन आवेदन करती हैं तो आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चूँकि निदेशक महोदय का आदेश आया हुआ है कि सोमवार तक आप लोगों के पास समय है, सोमवार तक कम से कम जो है आप लोगों को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो फॉर्म है उसको अपलोड करना अनिवार्य है। चलिए इसको लेकर निदेशक महोदय और परियोजना स्तर से क्या कुछ मैसेज आया हुआ है उसके बारे में आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं उस मैसेज की ओर। तो सभी सेविका बहनें इस मैसेज को ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस मैसेज में क्या कुछ लिखा गया है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के फॉर्म को अपलोड करने को लेकर। देखिए लिखा गया है, परियोजना के सभी सेविका से आग्रह है कि जिस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप में सुधार करके आप लोग काम कर रही हैं, ठीक उसी प्रकार से आज से कल तक आप लोगों के पास समय है। किसी भी प्रकार से आप सभी सेविका कम से कम दो फॉर्म PMMVY का अपलोड कर दें। देखिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो फॉर्म है वो कम से कम आप लोगों को दो फॉर्म अपलोड करना है। ये ऊपर से निदेशक सर का आदेश है, ठीक है। निदेशक सर जीरो वाली सेविका का रिपोर्ट मांगे हैं। जैसे कि आपके आईडी से अगर एक भी फॉर्म अपलोड नहीं किया जाता है तो सोमवार तक आपकी जो रिपोर्ट है वो निदेशक महोदय तक पहुंच जाएगी। तो इस बात को आप लोगों को गंभीरता से समझना पड़ेगा। चूँकि ऑनलाइन आवेदन करके आप लोगों को LS को जो उसकी जीरोक्स कॉपी है उसको दे देनी है, ठीक है, ताकि वो लोग अपने स्तर से उसको अप्रूव करके आगे भेज सकें। जैसा कि पहले जो फॉर्म आप लोग अपलोड करती थी उसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई जाती थी, तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग RCH ID जो 12 अंकों का होता है उसको और हम को मिलान करके ही हम लोग अप्रूवल कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है तो हम लोग उसी टाइम उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो जब आप लोग फॉर्म को अपलोड कीजिएगा तो जो 12 अंकों का RCH ID होता है उसको आप लोग सही सही फिल कीजिएगा, ताकि जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो और LS मैम के द्वारा जो अप्रूवल है वो मिल जाए और आपका जो फॉर्म है वो आगे पहुँच जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका बहनों को परियोजना स्तर से मैसेज आ रहा है कि कम से कम दो फॉर्म जो है आंगनबाड़ी सेविका के ID से अपलोड करना अनिवार्य है। चूँकि अभी का जो स्थिति है वो मैं आपको बता दूं कि अभी आप लोग फॉर्म को अपलोड करने जाएंगी तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो वेबसाइट है उस पर बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविका बहनें एक साथ ही फॉर्म को अपलोड कर रही हैं, तो सर्वर डाउन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे कि जब आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से मैसेज आएगा, प्लीज़ ट्राई अगेन 5 मिनट्स लेटर। तो बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें परेशान है, सुबह से ही ट्राई कर रही हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का जो फॉर्म है वो अपलोड हो सके। तो सभी सेविका से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग फॉर्म को अपलोड करना चाह रही हैं, अगर आप लोगों का फॉर्म अपलोड नहीं हो पा रहा है सर्वर के प्रॉब्लम के कारण, तो आपको क्या करना है कि जो फॉर्म आपको अपलोड करना है उस फॉर्म को आप लोग शाम के टाइम यानी 8 या 9 या 10 बजे के आसपास आप लोग फॉर्म को अपलोड करेंगे तो आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, या आप लोग मॉर्निंग में अपलोड करेंगे तो आपका वहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि अभी के टाइम में वो दिन का समय है जिसमें कि सभी सेविका बहनें अपने स्तर से जो फॉर्म है वो अपलोड कर रही हैं, तो इसके चलते जो सर्वर है थोड़ा डाउन चल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका बहनों को व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजे जा रहे हैं कि सभी सेविका बहनें अपने स्तर से कम दो फॉर्म को अपलोड जरूर करें, ताकि जो इसकी रिपोर्ट है वो विभाग तक पहुंचाया जा सके। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कर दीजिए। इस प्रकार से आंगनबाड़ी से जुड़ी खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।